बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुम्हारे पास परिवार नहीं है। दिल्ली में रहने वाले हर परिवार का हिस्सा बनके उस परिवार का मैं ख्याल रखूं। भारतीय जनता पार्टी इस बार संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का शो, आपका शो जिसमें आप अपने सवाल खुद पूछ सकते हैं। मैं आज बताना चाहती हूं कि लाखों की भीड़, राहुल गांधी मंच पर बैठे थे, अखिलेश यादव भी मंच पर बैठे थे, सीताराम येचुरी भी थे, कम्युनिस्ट के कई और बड़े लीडर्स भी वहां स्टेज पर बैठे थे। देश की राजनीति को दक्षिण से दिल्ली तक चार दशक तक देखने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे और भी बहुत लोग थे। अब आगे सुनिए, सब बारी बारी से बोले। नंबर आया तो दो बार के मुख्यमंत्री, एक बार के कैबिनेट मंत्री और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके लालू प्रसाद यादव जी का, उनका नंबर आया। वो उठते हैं और मोदी को कोसना शुरू करते हैं, पब्लिक की तरफ होकर पूछते हैं, बताओ कौन है मोदी। फिर आगे सीधे नरेंद्र मोदी के परिवार पर आ जाते हैं, मर्यादा की सारी सीमाएं तार तार हो जाती हैं। लेकिन अंदाजा नहीं था कि ये नरेंद्र है, ये हर बार पलट कर आता है, पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आता है। नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने जवाब दिया है कि उनका परिवार कौन है। मैं बयान आगे सुनवाऊंगी, ये भी बताऊंगी कि नरेंद्र मोदी का खुद का परिवार कहां है, क्या करता है। सवाल पब्लिक का आज है कि क्या 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी मोदी पर पर्सनल अटैक का पूरा विपक्ष फंस गया है? क्या विपक्ष के तर्कश में नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ सो कॉल्ड गाली और पर्सनल अटैक वाला तीर बचा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। दर्शकों, ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान नरेंद्र मोदी पर कई बार पर्सनल अटैक हुए। अभी एमपी राजस्थान में राहुल गांधी ने मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया, रिजल्ट सबको पता है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना था तो बिना फैक्ट जाने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने नरेंद्र मोदी कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, ये सवाल उठाना शुरू कर दिया। फैक्ट ये था कि अनिल मिश्रा मुख्य यजमान थे, ना कि नरेंद्र मोदी। लेकिन मोदी को कैसे भी कोसना था, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के आखिर तक उन्हें ट्रोल किया जाता रहा। मुझे याद है 2014 के चुनाव में कैंपेन के दौरान प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर नीच राजनीति करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता मणिशंकर अय्यर ने तो तब ये कहा था कि नरेंद्र मोदी इस सदी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, चाहे तो AICC अधिवेशन में चाय जरूर बेच सकते हैं। जवाब में मोदी ने चाय पर चर्चा करके पूरे देश को खुद से जोड़ लिया। 2019 में चौकीदार चोर है कहकर पर्सनल अटैक किया गया, माफ कीजिएगा, काउंटर में मैं भी चौकीदार आया, कौन किस पर भारी पड़ा ये इतिहास है। और बाद में कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, सो अलग। अब 2024 है, जब तीसरी बार राहुल अखिलेश सीताराम येचुरी के सामने लालू यादव ने क्या कहा, उसे जरूर सुनिए खुद ब खुद। नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ।
तुम्हारे पास परिवार नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? आप कह सकते हैं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी जब 2024 में सीधे सीधे परिवारवाद पर अटैक कर रहे हैं, विपक्ष की तरफ से मोदी को उसी का जवाब है। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष का मोदी को जवाब क्या ये है कि मोदी के बच्चे क्यों नहीं है? जवाब क्या ये है कि मोदी ने माँ के निधन पर सर क्यों नहीं मुंडवाए? विपक्ष का जवाब क्या ये है कि मोदी का परिवार क्यों नहीं है? मैं समझती हूँ कि ये पॉलिटिक्स में बिलो द बेल्ट जाना जाता है, मतलब स्तरहीन राजनीति है। चाहे वे ये विपक्ष करे या सत्ता पक्ष करे, अगर विपक्ष को मोदी के मिशन 400 को रोकना है तो उन्हें काउंटर नैरेटिव लाना चाहिए। मोदी शासन का कौन सा विकल्प उनके पास है वो जनता के सामने रखे, ना कि ये कि मोदी का परिवार क्यों नहीं है, बच्चा क्यों नहीं है, सर क्यों नहीं मुंडाया। राहुल गांधी को भले ये समझ ना आए, लेकिन शायद ये बातें कांग्रेस में कुछ लीडर्स को समझ में आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी ने नरेंद्र मोदी के सामने उनको अपना बड़ा भाई कहा। आज ही तेलंगाना में बड़ा भाई मतलब परिवार। रेवंत रेड्डी ने गुजरात मॉडल की भी तारीफ की। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बड़े नेता अर्जुन मोरवाड़िया ने विधायक सहित कांग्रेस में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। वजह, राम मंदिर से कांग्रेस की दूरी। राम कौन? सनातन परिवार के सबसे बड़े इष्ट। जैसे अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ, ऐसी मैंने कोशिश की है कि दिल्ली में रहने वाले हर परिवार का हिस्सा बनके, चाहे उनका भाई बनके, चाहे उनका बेटा बनके, उस परिवार का मैं ख्याल रखूं। हर परिवार का मैंने ख्याल रखने की कोशिश की, उनका बड़ा बेटा बनके, उनका भाई बनके। केजरीवाल का परिवार दिल्ली है, ये उन्होंने कहा, और मोदी का परिवार कहाँ है ये विपक्ष के नेताओं के लिए खोज का विषय हो गया। वाह भाई, मोदी का परिवार कौन? इसका जवाब आज मोदी सरकार के मंत्रियों ने, बीजेपी की टॉप लीडरशिप सबने दिया। सबने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया। एक तरह से बीजेपी ने 2024 का ये कैंपेन लॉन्च कर दिया। 140 करोड़ का भारत परिवार और उस परिवार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर दोष ईवीएम को मत देना। परिवारवाद पर प्रधानमंत्री खुद क्या जवाब दे रहे हैं वो भी सुनिए। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा, एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार।
इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, पब्लिक का सवाल नंबर एक, क्या चौकीदार चोर है और नीच की तरह विपक्ष का परिवार वाला दाव 2024 में उल्टा पड़ेगा? सवाल नंबर दो, क्या विपक्ष के पास मोदी लहर के सामने कोई मुद्दा नहीं है इसलिए पर्सनल अटैक फिर से शुरू हो गए हैं? और सवाल नंबर तीन, परिवारवाद की राजनीति पर किसका तर्क सही, बीजेपी या इंडी गठबंधन? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर अनवर पाशा प्रवक्ता है आरजेडी के, आकाशदीप पुनी राजनीतिक विश्लेषक सपोर्ट करते हैं आम आदमी पार्टी को, और सबके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, मैं पूछना चाहती हूं, परिवार पर टिप्पणी और कोई मुद्दा नहीं मिला देश में, और स्टेज पर सब बैठे हुए थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लेकिन लालू जी को मिला तो एक परिवारवाद का इस तरह का तीर मिला जिस पर चारों खाने चित करने की क्षमता है। क्या आज इस देश में सबसे मसला बड़ा यही है कि मोदी ने अपनी मां के निधन पर सिर मुंडवाया कि नहीं? क्या इस देश में सबसे बड़ा मसला लोगों के सामने यही है कि मोदी की संतान क्यों नहीं है, उनके बच्चे क्यों नहीं है? अनुराग भदौरिया जी, क्या इंडिया गठबंधन के पास इससे ऊपर कोई तर्क भी नहीं बचा? इतनी स्तरहीन राजनीति, बस यही है आपके तर्कश में तीरों के नाम पर? अनुराग भदौरिया, आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब, और 60 सेकंड के बाद मैं फेडर डाउन कर दूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है देश मेरा परिवार, अच्छी बात है, तो किसान भी तो उस परिवार में आते होंगे जो धरने पे बैठे रहते हैं, जो एमएसपी गारंटी मांग रहे हैं आप नहीं दे पा रहे, उनकी मौत भी हो जा रही है, उनके बारे में सोचिए। युवा जो अपना रोजगार मांग रहा है उस पर लाठी बरसाते हो आप, वो भी तो आपके परिवार के हैं। छात्र लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं क्योंकि उनका पेपर लीक हो जाता है, उनको उनका समय से उनका एग्जाम नहीं हो पा रहा है, उनके बारे में भी आपको चिंता करनी चाहिए। महिलाएं चाहे मणिपुर की हों, चाहे हमारी पहलवान बेटियां हों, चाहे बीएचयू की बेटी हो, उसके साथ अन्याय होता है तो उस पर भी तो आपको बोलना चाहिए, वो भी तो आपके परिवार में आता है। और बेरोजगार जो आत्महत्या कर रहा है लगातार, उसके वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है? और परिवार की बात करते हो, कोई अपने परिवार में क्या नफरत की राजनीति फैलाता है क्या? परिवार को दो भागों बांटने की कोशिश करता है क्या? अगर परिवार आपका एक है तो आपने जिस तरह चंडीगढ़ में जो आपने एक मेयर को जिताया, तो आपको दोनों आंखों से बराबर देखना है ना, एक आंख बंद करके एक को थोड़ी देखना है, आप दोनों आंखों से बराबर देखिए। जिस तरह से मेयर को आपने जिताया था, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने हारे हुए मेयर को जिताया, तो आप अपने दोनों आंखों से बराबर नहीं देखते हो। आप परिवार अगर हिंदुस्तान को समझते हो तो हिंदुस्तान के लोगों की मदद करो ना, सभी की, सही वर्ग के लोगों की मदद कीजिए ना। 80 करोड़ लोगों को आप रोजगार देने की बात आपने बोला कि हम उनको फ्री में राशन दे रहे हैं, अरे 80 करोड़ लोगों को आप अगर रोजगार दे देते तो वो तो परिवार का हिस्सा थे ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाते। कोई अपने परिवार को चाहता है क्या लाइन में लग के 5 किलो 5 किलो चावल के आटा में अपनी जिंदगी काटे? कोई परिवार का व्यक्ति नहीं चाहेगा, मुझे पूरा आशा है। और सीधी सी बात है, कुल मिलाकर जनता ने ठाना है इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। चलिए अनुराग भदौरिया जी, आपने अपने तर्कश के तीर निकाले, सुधांशु त्रिवेदी जी आज जवाब दीजिए कि ये मुद्दे, एक भी मुद्दा वहां स्टेज से नहीं उठाया गया। क्या उठाया गया? कि मोदी ने मां के निधन पर सर क्यों नहीं मुंडवाया, मोदी के बच्चे क्यों नहीं हैं, और मोदी किसी भी परिवार वाले से वोट ना मांगे। मैं पूछना चाहती हूं, क्या जो अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं, क्या मंच पर इंडिया गठबंधन ने यही मुद्दे उठाए थे? देखिए, मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ग्लानि, पराजय की कुंठा से भरे हुए विपक्ष के द्वारा पिछले अनेक वर्षों से अनेक बार बहुत ही निचले और छिछले स्तर के कमेंट किए जाते रहे हैं, और उसी स्तर का ये कमेंट था। और मोदी जी ने यदि कहा है कि वो परिवार पूरे देश का है उनके लिए, तो ये अनुराग भदौरिया जी जो कह रहे थे, भैया याद करिए, हम सब होली दिवाली कहाँ मनाते हैं? अपने परिवार के साथ मनाते हैं ना। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली दिवाली कहाँ मनाई थी? सेना के साथ बधाई थी जाकर सीमा पर,
और उसके बाद से वो आज तक हमेशा दीपावली किसी न किसी सेना की चौकी पे जाके मनाते हैं। ये होता है परिवार। 15 अगस्त 2023 को उन्होंने क्या बोला था लाल किले की प्राचीर से, मेरे परिवारवासियों। और उन्होंने तो जब 19-20 साल की उम्र में प्रचारक जीवन लिया था तो उसी समय उन्होंने संकल्प कर लिया था, जो उन्होंने कहा कि मैं तो अपना जीवन देश के लिए खपाने जा रहा हूं, अब देश ही मेरा परिवार है, और इसीलिए जब परिवार के लिए हम काम करते हैं तो हमें थकान नहीं लगती। तो उन्होंने यह संकल्प लिया था, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दी। उनके लिए पूरा देश परिवार है, पार्टी परिवार, आपके लिए परिवार ही पार्टी। हाँ, जवाब दे दो, 10 सेकंड। नाविका जी अच्छी बात इन्होंने बोली, तो ये बिल्कुल बिल्कुल आ रही हूँ अनुराग भदौरिया जी, पहले तहसीन पूनावाला, नहीं अभी आ रही हूँ, पहले तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, सर मुंडवाया कि नहीं मोदी ने, ये सवाल है इंडिया गठबंधन का, बच्चे क्यों नहीं है मोदी के, ये सवाल है इंडिया गठबंधन का, क्या इंडिया गठबंधन के पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं? अल्टरनेटिव विजन देने तो छोड़ दो, आप सिर्फ पर्सनल अटैक करते हैं, कभी नीच, कभी चाय वाला, कभी पनौती, कभी गंदी नाली का कीड़ा, और कभी चौकीदार चोर है, और इस बार तो परिवार के को लेकर जिस तरह के बिल्कुल बिलो द बेल्ट कमेंट्स किए गए हैं, क्या ये राजनीति की शोभा बढ़ाते हैं या विपक्ष की दिखाते हैं मानसिकता, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा बाकी नहीं बचा है। आज तहसीन पूनावाला जी सिर्फ कांग्रेस के सपोर्टर नहीं, एक इंसान बनकर भी जवाब दीजिएगा। अविका जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति की जो शोभा है वो सभी दल गिरा रहे, चाहे वो किसी को जर्सी काओ कहकर, किसी को हाइब्रिड बच्चा कहकर, किसी को दीदी और दीदी कहकर, या जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी की भी, और इस मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करता हूँ, किसी की भी माँ का देहांत के बाद उनके अंतिम संस्कार किस तरह से हुए, किस रीति से हुए, किस रिवाज पे, उस पर टिप्पणी करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मॉरली छोड़ दीजिए, इसे राजनीतिक लाभ भी नहीं होता विपक्षी पार्टी को। जैसे अनुराग भाई ने बिल्कुल सही कहा, देश के मुद्दे बहुत सादा, किसान सड़क पे, स्टूडेंट्स सड़क पे, देश में बलात्कार के केसेस बढ़ रहे, टीचर्स सड़क पे, इन मुद्दों को उठाना है। अगर हम व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी को टारगेट करेंगे तो राजनीतिक लाभ उनको मिलेगा, जैसे उनको मिलता आया है। हाँ, ये बात सही है कि राजनीतिक स्तर सभी ओर से गिर गया है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को कोशिश करना चाहिए कि अगर ये चुनाव जीतना है 2024 का तो मुद्दों पर लड़े, और मुद्दों पर लड़ेंगे तो मैं ये मानता हूं, अब भी मानता हूं कि उनको सफलता मिल सकती है, लेकिन शर्त है मुद्दों पर लड़े। किसी की मां पर किस तरह से उनके अंतिम संस्कार हुए, मुझे लगता है इस पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, अभी तो कह रहे हैं टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, लेकिन हर बार इसी तरह की टिप्पणियां, एक बार नहीं हर बार होती है, और अभी राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनावों के टाइम जब वर्ल्ड कप भारत नहीं जीता था तो प्रधानमंत्री को पनौती भी बुला दिया था, क्या कभी भी विपक्ष बाज आया है अपनी इस कमेंट्री से? देखिए, जो तहसीन भाई ने जो बात कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। भारत की राजनीति में शब्दों की मर्यादा विगत कुछ समय में बहुत ज़्यादा नीचे गई है, और इसकी शुरुआत आज से 17 साल पहले 2007 के चुनाव में तत्कालीन यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कहा था कांग्रेस अध्यक्षा के रूप में, मौत का सौदागर कहकर। उसके बाद इतने प्रकार के संज्ञा बोले गए, पर तहसीन जी ने जो बातें बोली उसमें तो किसी का नाम नहीं था, यानी सुनने वाले ने खुद मान लिया कि ये मेरे लिए कहा जाता है। परंतु यहां तो क्या कहा गया, मोदी जी का नाम लेके मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे इमरान मसूद, किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। मर जा मोदी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और इसके अलावा मौत और फिर मौत के प्रकार, और इतने घटिया घटिया शब्द जो कि टीवी पर बोले नहीं जा सकते, कुत्ते की मौत, हिटलर का मौत, नाम लेकर बोले गए, किंतु परंतु का कोई स्कोप नहीं है। परंतु मैं जवाब देना चाहता हूं नाविका जी, आज से कई साल पहले एक विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री से पूछा गया था कि आप एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिए, 24/7 काम करने की इतनी ऊर्जा कैसे पाते हैं? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था, रोज 1-2 किलो गाली खाता हूं और उससे ऊर्जा पाकर पुनः आपकी सेवा में लग जाता हूं। तो इनके लिए
मैं ये कहना चाहूंगा, रामचरितमानस की एक चौपाई है कि बूंद अघात सहे गिरी ऐसे, खलके वचन संत समझ ऐसे। यानी जैसे पर्वत होता है, उसके ऊपर पानी की बूंद गिरती है, वो अपने ऊपर कोई नहीं धारण करता है, वो सब नीचे चली जाती, पर्वत अविचल खड़ा रहता है। उसी प्रकार जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनके लिए जितने भी घटिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उससे उनकी विराटता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो स्वतः नीचे चले जाते हैं। मुझे लगता है कि इस विचार को इनको समझना चाहिए, सैद्धांतिक मुद्दों पर बात करना चाहिए। मगर एक बात की मैं दाद दूंगा नाविका जी, लालू यादव जी ने क्या बोला, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों से काहे इनको प्रॉब्लम है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं नाविका जी, ये बयान लालू यादव जी का निजी बयान है या राजनीतिक बयान? वो एक व्यक्ति के रूप में बोल रहे हैं अपने लिए या किसी समुदाय के लिए बोल रहे हैं? मुझे लग रहा है कि शायद मोदी जी के प्रति घृणा में, गाली बकने में भी ये सब लोग इतने जबरदस्त हैं कि अपने राजनीतिक हित और वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं। याद करिए, इन्होंने कहा था ना, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। अरे ये नहीं कहा मोदी भस्म हो जाएंगे, हिंदुत्व की भी कब्र खोद रहे थे, जबकि हिंदुत्व में तो भस्म होते हैं। वैसे आज भी जो लालू यादव जी ने बोला है, मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली बात उनकी निजी है या ये सामूहिक है, इसके पीछे कोई वोट का मामला है या केवल दिल पे चोट का मामला है। जवाब दे दूं नाविका जी, 10 सेकंड का है नाविका जी जवाब। मैंने 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 बिल्कुल आपकी बात सुनी, और अनुराग भदौरिया जी, मैंने आपका हाथ भी देख लिया है, रजिस्टर कर लिया है, मैं आऊंगी आपके पास। आपके इंडिया गठबंधन के दूसरे अन्य नेता भी बैठे, उन्हें भी क्या हो जाएगा? 10 सेकंड ही तो मांग रहा हूँ मैं, 15 भी नहीं मांग रहा हूँ। आप तो न्याय दीजिए, बीजेपी नहीं कर चाहिए। प्रोफेसर अनवर पासा जी आपकी इजाजत हो तो 10 सेकंड में अनुराग भदौरिया जी को देती। 10 सेकंड देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं खड़े होके उनकी ताली हमारे टाइम में से मत दीजिए। कमाल है भाई, माने हमने जो मुद्दे उठाए किसान के, बेरोजगार के, महिला अत्याचार पे कोई जवाब नहीं। मतलब आपको कोई मतलब नहीं है किसान से, छात्रों से, महिलाओं के अत्याचार पे, आपको मतलब किससे है? व्यक्तिगत। कमाल की बात है, आप सरकार में हैं, सरकार का मैंने सवाल उठाया किसान के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में क्या सोच रहे हैं, छात्र के बारे में क्या सोच रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस पर कोई जवाब नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी, और आप कह रहे सैनिक। अरे भैया, सैनिक की पत्नी थी मणिपुर में जिसके साथ अन्याय हुआ था, उसके पति ने क्या बोला? कारगिल में मैं देश की तो रक्षा कर पाया, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। सवाल उठाए सुधांशु जी, आप जवाब दे ही दीजिए, क्योंकि अनुराग भदौरिया जी ने जो सवाल उठाए थे, मैंने पहले कहा ये सवाल वहां मंच पर नहीं उठाए गए, ये यहाँ स्टूडियो में उठाए जाते हैं। मंच पर कौन से सवाल उठाए गए थे ये जनता भी जानती है, सुधांशु जी आप भी जानते हैं। जवाब दे दीजिए अनुराग भदौरिया जी, आपका फेडर डाउन, सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब। आप जवाब ही दे देता हूं मान्यवर, जो आपने कहा सारे मुद्दों की बात, तो मुद्दे इतने गिनते गिनते आपकी उंगली थक जाएगी। 4 करोड़ जिन गरीबों को आवास दिया है, उन गरीबों में 3 करोड़ मकानों में मालिकाना हक में रजिस्ट्री में महिला का नाम है। दावे से कहता हूं 2014 से पहले 3 करोड़ गरीब वर्ग की महिलाएं नहीं थी जिनको हाथ मिला हो। अगर 11 करोड़ शौचालय मिले हैं तो वो इज्जत घर हैं गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए। अगर 14 करोड़ घरों में नल पहुंचा है तो जो महिलाएं सर के ऊपर मटकी रख के उनको मीलों मीलों से आना पड़ता था, ये उनके लिए आके मिला है। अगर बच्चियों से बलात्कार करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान हुआ है तो हमारे समय में हुआ है। यदि कामकाजी महिलाओं के लिए 6 महीने के मातृत्व अवकाश का प्रावधान हुआ है तो हमारे समय में हुआ है। फाइटिंग फोर्स में अगर कमीशन फोर्स में महिलाओं को स्थान मिला है तो हमारे समय में मिला है। अरे जनाब, अभी सुनते तो जाइए, अभी आप क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर महिला मंत्री है तो हमारे जमाने में है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे जमाने में पास हुआ है। 44 करोड़ जो मुद्रा योजना के लोन मिले उनमें 68% महिलाओं को मिले हैं। मेरे भाई, समझने का प्रयास तो करो। आपके यहां कितने नहीं है कि महिलाएं आत्महत्या कर लेती थी बलात्कार में दुखी होकर, फिर कहा जाता था कि बच्चों से गलती हो जाया करती है। आपकी तरह नहीं है कि मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था और उसके बाद आजम खान ने कहा था ये रेप हुआ ही नहीं, बुलंदशहर का रेप, उसके बाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा था। आपकी तरह नहीं है कि आजम खान ने खड़े होकर लोकसभा की पीठ पर बैठी हुई महिला के साथ अभद्र बात कही थी और 3 दिन तक माफी नहीं मांगी थी और अखिलेश जी भी उनके साथ खड़े रहे थे। भाई साहब, मुद्दे की बात करना चाहोगे तो मुद्दे की बात करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं संदेश खाली की महिलाओं के लिए आपके दिल में क्या हो जाता है?
मैं पूछना चाहता हूं कश्मीर में जहां पर कि लाखों हिंदुओं को भगा कर कहा गया था कि छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ जाओ, उसके लिए क्या हो जाता है? वहां बताइए केरल में हजारों लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ, जो वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बोला, उनके लिए क्या हो जाता है? मेरे भाई बताओ, उत्तर प्रदेश में आपके जमाने में एक इमराना थी जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया तो मौलवी फतवा जारी कर देता है कि वो ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई, और आप उस समय चुप रहे थे, उसके लिए क्या होता है? मुद्दे की बात बताओ मेरे भाई, मेरे भाई समझने का प्रयास करो। चलो भाई, आप भदौरिया जी, अब आप बहुत बोलिए, बताओ महंगाई की दर क्या है और विकास की दर क्या है? अब आ गए विकास की दर उसकी दर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, मैं विकास दर बताता हूँ, रुकिए एक मिनट, आप ये बताइए पहले, बोलिए, मैं कहता हूँ संदेश खारिज हुआ, गलत हुआ, आप बोलिए पहलवान मेहनाओं के साथ बताइए, बताइए फॉरेन मिनिस्टर, जवाब दीजिए मुझे, इधर मुख्यमंत्री के संदेश पार्टी के गजब है भाई, आप अनुराग भदौरिया जी जब बोलना होता है तब बोलते नहीं है, और जब नहीं बोलना होता है तो आपको बोलने की बहुत आदत है। अब मैं आरजेडी के नेता और प्रवक्ता प्रोफेसर अनवर पासा के पास जाना चाहती हूं, और अनवर पासा जी, आपसे सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक सवाल पूछा था, और सवाल इस बात का पूछा था कि इतने सारे बच्चों की जब बात होती है तो लालू जी कौन सा बयान दे रहे थे, पर्सनल या राजनीति? और दूसरा सवाल मेरा यही है कि लालू जी तो इतने दशक तक पॉलिटिक्स में रह चुके हैं, अब उनके पास मुद्दा रह गया है तो मोदी जी के मां के निधन में सर क्यों नहीं मुंडवाया, उनके बच्चे क्यों नहीं हैं, बस यही मुद्दा रह गया है? क्योंकि उसका जवाब तो आज मोदी जी ने दे दिया और पूरे बीजेपी परिवार ने भी दे दिया। अब ये बताइए कि क्या यही मुद्दे हैं आपकी राजनीति के? नाविका जी, आपने जिस तरह से शुरू किया इस प्रोग्राम को और ये बताया कि पटना में जो रैली थी, महारैली थी, महागठबंधन की रैली थी, उसमें 2 मिनट का भाषण जो हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी का था, उसी को आपने सिर्फ सुना। आपने उस प्रोग्राम में जो 3-4 घंटे का प्रोग्राम था उसमें जिन मुद्दों की बात की गई, जनता के जिन सवालों को उठाया गया, पब्लिक के जिन सवालों को उठाया गया, आपने उसकी ओर से आंख भी बंद कर रखी है और कान भी आपने बंद कर लिया है, और सुधांशु जी ने भी उसी तरह से अपने आंख और कान बंद करके सिर्फ सांप्रदायिक एजेंडे को यहां पर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे, और जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा उसमें, युवाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ करके तेजस्वी यादव जी का साथ दिया है, उससे घबराई हुई है भाजपा। क्या मुद्दे थे तेजस्वी जी के? तेजस्वी यादव जी के मुद्दे थे रोजगार। आज तेजस्वी यादव जी युवाओं के हीरो बने हुए हैं, आइकन बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने 17 महीने के सरकार में युवाओं को जो आशा जगाई है युवाओं के दिलों में, जो रोजगार उनको दिए हैं, 5 लाख रोजगार उन्होंने 17 महीने के अंदर युवाओं को दिए। 10 लाख का वादा उन्होंने किया था लेकिन गद्दारी कर दी श्री नीतीश कुमार जी ने, और वो चले गए बौखला करके, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि युवाओं को रोजगार दिया जाए और किसी साकार एजेंडे पर सरकार वहां की काम करे, इसलिए वो जाकर के गोद में बैठ गए भाजपा के। जो कुछ मुद्दे है पब्लिक के, वो मुद्दे क्या है? बेरोजगारी है मुद्दा, इसी पर बातें हो रही थी उस रैली में, लेकिन पूरा हमने दिखाया अनवर जी, हमने पूरा सब कुछ दिखाया, जो जो बोले लालू जी, लेकिन लालू जी जो सबसे एक्सपीरियंस थे, उनके मुद्दे क्या थे? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुद्दे कौन से उठाए और कौन से मुद्दे जो सामने आए, और ये जो धोखे की बात हो रही है जो नीतीश जी ने दिया, ये जो धोखे की बात हो रही है, तो धोखे तो कई बार हो चुके, बहुत लोगों ने कर दिए, एक ही धोखा क्यों नजर आता है यहाँ प्रोफेसर अनवर साहब को? नविका जी, मुझे लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि लालू जी की किस बात पर चर्चा करें, खड़गे जी की किस बात पर चर्चा करें, 4-5 घंटे की रैली होती है, तो थोड़ा सा ये सोचने की बात है कि क्या कोई ऐसा नेता हो सकता है जो इतने स्तरहीन तरीके से देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करे। और पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि देश के लोग इसको कैसे देख रहे होंगे कि तुम्हारी संतान कहाँ है, तुम्हारे संतान क्यों नहीं हुआ। क्या ये लालू प्रसाद यादव को पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रचारक निकल गए थे, प्रचारक जीवन से वापस नहीं लौटे थे? और
लालू प्रसाद यादव या ऐसे लोगों का संकट ही यही है, किसी भी कालखंड में किसी घर के बच्चे का गृहस्थ जीवन से बाहर निकलकर संन्यास लेना हो या किसी खास लक्ष्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना, बड़ा कठिन काम होता है। नहीं हो सकता जो जो अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, उससे आगे निकल ना पाए, उनके लिए बड़ा कठिन होता है। और यही वजह है कि ऐसे लोगों के निशाने पर सबसे पहले क्या होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, क्योंकि उनको लगता है कि एक ऐसे लोगों का समूह है जो अपना शादी ब्याह नहीं, अपनी पत्नी नहीं, अपनी अपना बच्चा नहीं, अपना घर नहीं। और नरेंद्र मोदी के जो परिवार के लोग भी हैं, जो उनके भाई बहन है, हम में से कोई नहीं जान पाता है। यहां तो आप क्यों तेज प्रताप यादव क्यों मंत्री बने हुए, इस सवाल का जवाब आप खोजिए। मीसा भारती ही राज्यसभा की सदस्य क्यों बनेंगी, इस सवाल का जवाब आप खोजिए। और ऐसे ढेर सारे सवाल ऐसी परिवारवादी पार्टियों में दिखेंगे। मुश्किल होती है उनको जब एक व्यक्ति कह रहा है कि हमारे लिए देश परिवार है, तो उनको बड़ा विचित्र लगता है। यहां तो एक छोटी सी खेत की मेड़ होती है, उसके लिए एक दूसरे को लोग जान से मार देते हैं, जाने क्या क्या हो जाता है। परिवार में एक लोकसभा सीट और विधानसभा सीट के लिए सास बहू लड़ रही है, चाचा भतीजा लड़ रहा है, पिता पुत्र लड़ रहा है, जाने क्या क्या हो जाता है। ऐसे में यह असंभव है, इन लोगों को समझ में नहीं आ सकता कि कोई एक व्यक्ति कोई निकल जाए घर से और वो देश के लिए कहे कि हम खड़े। और मैं फिर से कहूंगा, देश के लोगों को अच्छे से सुनना चाहिए। अभी कितना समय बीता, मीसा भारती पटना में हनुमान मंदिर के सामने खड़ी थी, प्रार्थना कर रही थी हमारे पिता को कुछ हो गया तो। दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य कह रही थी कि ईडी वालों समझ लेना बख्शेंगे नहीं, दवा नहीं देने दिया जा रहा था। और आज लालू जी दहाड़ रहे मंच से, लालू जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लालू जी इस देश के ऐसे अपराधी हैं जिनका दोष साबित हुआ, आरोपी नहीं बोला है मैंने, अपराधी हैं, दोष साबित हुआ है। और वो देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस तरह से कोई व्यक्ति कैसे ये काम कर सकता है। और कई बार देखिए, हम लोग कहते हैं ना सामान्य व्यक्ति और वीवीआईपी के लिए अलग अलग होता है, तो ये बात तो सही है, वीवीआईपी वाला मसला है, वो कुछ भी करे, वो दोषी हो जाए, जेल से बाहर आए और प्रधानमंत्री को तुम तड़ाम करके बात करें। और नविका जी, थोड़ा दोष हम लोगों का भी है, एक लाइन कहता हूं, हम पत्रकारों ने भी बहुत समय ऐसे नेताओं को झेला, हम कहते थे बड़े ये देशज नेता है, ठेठ नेता है, पता नहीं यार टीवी चैनलों पर उल्टी सीधी बात कर देते थे, इंटरव्यू के बीच में उल्टा सीधा बोल देते थे, और वही आज भी अंदाज है, तुम तड़ाम करके कोई देश के प्रधानमंत्री से बात कर सकता है। शर्मसार करने वाला व्यवहार लालू प्रसाद यादव का है, लेकिन ये कोई पहली बार तो है नहीं, उनके लिए तो सामान्य है। प्रोफेसर अनवर साहब, और मैं आपको बता दूं, लालू जी इतने ठेकेदार हैं, अगर हिंदू धर्म के सर कब मुंडवाना है वो जानते हैं, तो उनको ये भी पता होगा कई राज्यों में ऐसी प्रथा है कि कोई अगर निधन भी हो जाए तो कोई सर नहीं मुंडवाता। हमारे पंजाब में, और मैं सरदारों सिखों की बात नहीं कर रही, हमारे पंजाब में जो हिंदू पंजाबी होते हैं वो सर नहीं मुंडवाते हैं, कई राज्यों में ये प्रथा है। अरे पूरे हिंदू धर्म के इतने बड़े वकील बन गए लालू जी, तो राम मंदिर क्यों नहीं गए थे? राम मंदिर जाने से न्योते को मना क्यों कर दिया था? प्रोफेसर अनवर बताइए ना, इसका भी तो जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल जवाब दूंगा मैं। ये जो बातें की जा रही है परिवार के संदर्भ में की जा रही थी, परिवार हमें संस्कार सिखाता है। मैं हिंदू जो परंपरा है उस पर कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस पर बात करने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं मानता। हिंदू जो प्रथा है, जो परंपरा है, जो आस्था है, उसके बारे में बात मैं नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि परिवार जो है वो हमें संस्कार सिखाता है, परिवार हमें सम्मान करना सिखाता है एक दूसरे का, परिवार हमें एक दूसरे को समान भी समझने का सबक सिखाता है। मोदी जी जो बात कर रहे हैं कि इस देश के 1 अरब 40 करोड़ क्या बात है, वो हमारे परिवार क्या बात है, जो आप कह रहे हैं ये लालू जी को शायद पता नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रोफेसर साहब तो यहाँ हमें लेक्चर दे रहे हैं, ये लेक्चर क्या लालू जी के लिए जरूरी नहीं है? लालू जी ने जिस तरह की टिप्पणी करी प्रधानमंत्री पर, क्या 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 वो ये लेक्चर उनके लिए सही नहीं होता? नाविका जी, 80-20 की राजनीति करने वाले कौन लोग हैं?
80 कौन है और 20 कौन है? प्रोफेसर साहब, आप सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, अब आप सुनने का काम करिए। प्रोफेसर साहब, आज मैं प्रोफेसर साहब की दोनों बात का जवाब देता हूं। प्रोफेसर साहब की दोनों बात का जवाब, सुधांशु जी ने कहा था आज भारतीय जनता पार्टी में कितने एमपी हैं जो माइनॉरिटी से आते हैं, कितने एमएलए हैं जो माइनॉरिटी से आते हैं, कितने एमएलए और एमपी को टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी जो माइनॉरिटी से आने वाले लोग हैं, ये है उनका परिवार। चलिए जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सुन लिया आपका सवाल, सुधांशु जी ने भी सुन लिया, सारे दर्शकों ने भी सुन लिया, जवाब सुन ले। सुनिए प्रोफेसर साहब पूरा जवाब देते हैं। देखिए लालू जी ने मोदी जी के परिवार के बारे में तो जो आपत्तिजनक निंदनीय भर्सना योग्य कहा वो तो अलग है, मैं तो कहना चाहूंगा अपने परिवार का भी सम्मान नहीं ध्यान आया। प्रोफेसर साहब ये पटना का वही गांधी मैदान है ना, जब जेपी आंदोलन चल रहा था, यही लालू प्रसाद यादव जी है ना, याद है अब्दुल गफूर उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे और उस समय नारा था कि मुंह में बगुनी मुंह में पान, बगल में हाथ में बबुनी मुंह में पान, अब्दुल गफूर का यही निशान। जब जेपी आंदोलन हुआ था तो जाग उठी तरुणाई है जेपी ने अलग जगाई है, यही पटना का गांधी मैदान था जब जेल गए थे और उनकी बेटी हुई थी जिसका नाम मीसा क्यों रखा है, मीसा एक एक्ट होता था, आज की युवा पीढ़ी पता होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, आपको पुलिस उठा के बंद कर देगी, आपको कारण भी नहीं बताएगी, आप जाकर कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन नहीं दे सकते, आपके सारे मानवाधिकार समाप्त। और कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा था कि अगर पुलिस गोली भी मार दे योर ऑनर तो आप सिर्फ देखते रह सकते हैं। वहां पे लालू यादव जी ने संकल्प लिया था कि मैं अपनी बेटी का नाम मीसा रखता हूं ताकि कांग्रेस को उखाड़ फेंकूंगा, कांग्रेस की इस राजनीति को नष्ट करूंगा, मगर उसी गांधी मैदान में उसी पटना में आज आकर कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। महोदय क्या हो गया, अपने परिवार अपनी बेटी के नाम का सम्मान भी नहीं रहा। और अब मैं माइनॉरिटी पे भी बता देना चाहता हूं, प्रोफेसर साहब पूरी बात तो सुन लीजिए। प्रोफेसर साहब आपने कहा हम 80-20 की बात करते हैं, हम तो हकीकत में 20 की बात करते हैं। ये बताइए जिसको आप माइनॉरिटी कहते हैं उसमें 80% कौन है? वो 20% वाली माइनॉरिटी कहां है? सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, साहब वो 20% है। आपको 20% की चिंता नहीं है, 80% की चिंता है जनाब, हम 80% की चिंता करते हैं। प्रोफेसर आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप भी प्रोफेसर हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी में रहे हैं, तो मेरे विचार से अपने अपने टर्न पे शांति से सुने तो जनता के लिए भी बेहतर होता। अब मैं बताना चाहता हूं, आपने कहा कितने एमएलए बनाए, कितने एमपी बनाए, ऐसा है साहब एमएलए बनते रहते हैं, एमपी बनते रहते हैं, आते और जाते रहते हैं। हमने वो बनाया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, भारत का राष्ट्रपति बना, जितना बड़ा साइंसदान आज के पूरे इस्लामिक जगत तो छोड़िए, पूरे इस्लामिक जगत की पिछले 500-600 साल की हिस्ट्री में नहीं पैदा हुआ। सुनिए आज के जमाने में मैं चुनौती से कहता हूं, हमारे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान अगर आज के भारत में पूरा कोई हो जो इस्लामिक मान्यताओं पर, मैं चुनौती देता हूं बहस कर ले अरबी फारसी से लेकर सारी चीजों के ऊपर। हमने वो दिया है, मगर आपको अच्छा और सच्चा मुसलमान नहीं अच्छा लगता, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। प्रोफेसर साहब एक बात आपसे पूछूं, अच्छा ये बताइए एक जमाने में मुसलमानों में भी बहुत बहुत इंटेलिजेंस होता था, बहुत नॉलेज होती थी, बड़ी बड़ी डिस्कवरी होती थी, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था बताइए? अच्छा चलिए, आपने किसी सिख को कभी माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया है? कोई इस देश का मुसलमान नाम बताइए नहीं लगता, नाम बताइए किसी सिख को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया है? बने हुए हैं। किसी ईसाई को बनाया है बोलिए? हमने बनाए थे। किसी जैन को अपनी माइनॉरिटी कमीशन का माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन बनाया बताइए? आप जाके रिकॉर्ड चेक कीजिए, एक ही अच्छा लगता है ना, जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजोरिटी। प्रोफेसर साहब बेनकाब जब हो जाते हैं तो इतना अलबला जाते हैं कि क्या कहें, लेकिन लेकिन आज एक और वाक्या हुआ, आज एक और वाक्या हुआ। और आकाशदीप पुनी जी, मैं आपसे तहसीन में आ रही हूँ आपके पास, आकाशदीप पुनी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री ने 12:30 बजे बोला, आज दोपहर 12:30 बजे बोला मेरा परिवार पूरा भारत, तो एकदम जेरोक्स मशीन में कॉपी होकर 2 बजे अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट आ जाता है, उनका स्टेटमेंट आ जाता है कि दिल्ली मेरा परिवार। अरे भाई दिल्ली मेरा परिवार
तो मोदी को चुनौती क्यों दे रहे हो? इंडिया गठबंधन में चले गए जहां सबको रोज गाली दिया करते थे जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन थी और जब आम आदमी पार्टी बनी थी। और सवाल ये भी है कि ये चुनाव मोदी बनाम कितने परिवार, लालू यादव परिवार, मुलायम यादव परिवार, करुणा निधि परिवार, वहां केटीआर परिवार हो रहा है, इधर गांधी परिवार, परिवार ही परिवार है। और ये सारे परिवार, एक पिता हटता है तो बेटा बन जाता है, माँ हटती है तो बेटा बन जाता है, ये सब कुछ परिवार के बीच में रहता है। आकाशदीप पुनी जी, अब आप भी आम आदमी यही आकर बैठ गए। देखिए नाविका जी, मोदी जी जब कहते हैं कि ना कि पूरा 140 करोड़ भारतीय उनके परिवार है, उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखता है। वो ऐसे दिखता है कि वो 140 करोड़ में वो 2 करोड़ दिल्ली वासी क्यों नहीं होते? क्यों वो दिसंबर में 2022 में दिल्ली वासियों का मेडिसिन दवाई रोक देते हैं? क्यों वो दिल्ली वासियों का टेस्ट रोक देते हैं 3-3 महीने 4-4 महीने के लिए? क्यों वो बुजुर्ग का पेंशन रोक देते हैं 5 महीने के लिए? दिल्ली में कैसे वो जिएंगे? आप सोचिए, एक योजना चलाई गई थी जिससे कि ना कि लोग 2300 लोगों को जान बची थी उससे, उनका वो योजना उन्होंने रोक दिया। ये चीज सिर्फ दिल्ली में नहीं करते, पूरे देश भर में करते। आप सोचिए, मेरा सुधांशु जी बता रहे थे ना कि वो शिक्षा जगत से जुड़े हुए, हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा, पर फिर यूजीसी को इस बार 60% कम बजट में क्यों मिला? क्यों उसकी वजह से जो सरकारी संस्थान है उनको सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम शुरू करना पड़ा? आकाश पुनी जी, आपने दवाइयों की बात कही तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, दवाइयों में कितना बड़ा स्कैम हुआ और कितनी इन्वेस्टिगेशन चली शायद आकाशदीप पुनी जी को पता नहीं, लेकिन जनता है, सब जानती है। और सवाल पब्लिक पूछ रही है। तहसीन जी आ रही हूँ, ये सवाल आप ही के लिए है। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है। 2019 में जब राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है तो पूरे देश ने एक साथ कहा था मैं भी चौकीदार। अब तो पूरा देश ही मोदी का परिवार बन गया है, अब इंडिया अलायंस का क्या होगा? राकेश कौशिक का करनाल हरियाणा से सवाल है, लालू जी के सेल्फ गोल का खामियाजा क्या पूरे इंडिया अलायंस को नहीं उठाना पड़ेगा? मिथिलेश कुमार सिन्हा का दरभंगा बिहार से सवाल है, एक तरफ मोदी पूरे देश को अपना परिवार मान रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष अपने ही परिवार को परिवार मान रहा है, इन्हें क्या लगता है जनता इसका जवाब वोट देते समय नहीं देगी? के चौहान नैनीताल से कह रहे हैं, नाविका जी मेरा कोई सवाल नहीं है, मुझे बस यही कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी पर विपक्ष जितना पर्सनल अटैक करेगा मोदी उतने मजबूत होंगे, मैं भी मोदी के परिवार का सदस्य हूं। देवेंद्र गुप्ता का मोहाली पंजाब से सवाल है, तो क्या अब इंडी गठबंधन इसी मुद्दे पर 2024 का आम चुनाव लड़ेगा? उपमा श्रीवास्तव का लंदन से सवाल है, लालू यादव ईडी के समन पर बीमारी का बहाना बनाते हैं और बिस्तर पकड़ लेते हैं और स्टेज से देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहते हैं, इनको लगता है कि लोगों को ये दिखाई नहीं देता? तहसीन पूनावाला जी जवाब जरूर दे दीजिएगा, जनता जो है ना मूर्ख नहीं होती। जवाब देगी 2024 में बीजेपी? नहीं, जनता बिल्कुल मूर्ख नहीं होती है, लेकिन जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश वर्तमान सरकार कर रही है। मैं एक चीज क्लैरिफाई और फैक्ट चेक करना चाहता हूँ। माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि मौत का सौदागर शब्दों का प्रयोग कांग्रेस की उस वक्त यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए किया था, लेकिन 2002 में सबसे पहले इन शब्दों का प्रयोग माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्षता के लिए की थी। जिन शब्दों का प्रयोग हुआ था सोनिया जी के लिए, उस पर पब्लिकली अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा मैं उससे इत्तेफाक में देखता हूं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आपके कलीग को उन्होंने इंटरव्यू दिया था पब्लिकली, आज भी यूट्यूब पे वो इंटरव्यू अवेलेबल है, आप जाकर चेक कीजिए। लेकिन दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के सारे जो भी रेसिपिएंट थे जिन्होंने सरकार को चंदा दिया है उसकी लिस्ट दी जाए, सिंपल प्रिंट आउट होता है, ये एक 5वीं स्टैंडर्ड का बच्चा कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एसबीआई पे दबाव डाला कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को ना माने और सुप्रीम कोर्ट को कहे हम ये 30 जून को सबमिट करेंगे चुनाव के बाद, ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। इस पर मुद्दा ना हो, मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री सवाल पूछा जाए उस मुद्दे पर तो आपके पास जवाब नहीं होता, आप हर मुद्दे को अटकाना भटकाना चाहते हैं, तो
सुधांशु त्रिवेदी जी से आपने सवाल पूछा, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। तहसीन भाई, हमारे प्रबुद्ध और युवा साथी तहसीन भाई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा उठाया, तो मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, हां सबसे ज्यादा पैसा भाजपा को मिला 6,600 करोड़, मगर दूसरे नंबर पे किसको मिला? कांग्रेस पार्टी को 1,133 करोड़ रुपए मिला इलेक्टोरल बॉन्ड से। काहे ले लिया भाई? अरे भैया, लेते भी रहेंगे और गरियाते भी रहेंगे। और हमसे तो कह रहे हैं कि लिस्ट नहीं दी, पांचवी क्लास का बच्चा दे सकता। मेरे भाई, 1,133 करोड़ या तो लेते नहीं, ले लिया था तो लिस्ट दे दो ना, अभी तो लेके बैठे हैं। अब आप कहेंगे हमें 1,101,000 कुछ मिला, आपको 6,000 मिला, तो भाई साहब भाजपा की हैसियत कांग्रेस से 6 गुनी तो है ही है। इसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ही चन्नर न घनेरे। इसे होता है राजनीति करना और यथार्थ में को स्वीकार न करना। नाबका जी 10 सेकंड, देखिए आज 10 सेकंड आज बस इतना ही समय है, लेकिन मैं जनता के सामने ये सवाल जरूर रख के जा रही हूँ। एक बार नहीं 100 बार विपक्ष ने मुद्दों की जगह प्रधानमंत्री पर खुद पर्सनल अटैक किया, चाहे वो नीच हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो पनौती हो, चाहे वो टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी कर देंगे, इनकी कब्र खुदेगी यहां पर, और आज परिवार पर। मैं पूछना चाहती हूं दर्शकों आपसे, क्या ये आपके दिमाग में रहेगा जब आप वोट देंगे, या ये रहेगा दिमाग में कि हमारे सामने मुद्दे क्या हैं और मुद्दों को सुलझाने का हुनर किस में है? क्योंकि आप हैं सबसे बड़े जज, क्योंकि पब्लिक है ये सब जानती है। तो ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। आज सवाल पब्लिक ने पूछे, जवाब विपक्ष ने भी दिए, सत्ता पक्ष ने भी दिए। आप क्या ठीक समझते हैं, क्या गलत, जरूर लिखकर भेजिएगा। आज के शो में सबको धन्यवाद करते हुए अपने पैनलिस्ट को लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। पर